सब्सक्राइब कीजिए डीटीएच टीवी गाइड को और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, डीटीएच टीवी गाइड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं पगारिया कंपनी का एक सेटअप बॉक्स को रिव्यू करूंगा और साथ साथ उसको चला के उसका फंक्शन भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पगारिया कंपनी का एक सेटअप बॉक्स है, ये MPG2 सेटअप बॉक्स है। मैं एक कस्टमर के लिए लाया था, मार्केट में 700 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। सेटअप बॉक्स का मॉडल नंबर है PVR 12। दोस्तों, अगर आप MPG2 सेटअप बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आप ये बॉक्स ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। या फिर आप सॉलिड का भी एक सेटअप बॉक्स होता है, 700 के आसपास रेट होता है, वो भी ले सकते हैं। मैं इस STB को कुछ दिन यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। इसमें वो सारे फीचर्स है जो एक ब्रांडेड सेटअप बॉक्स में होना चाहिए। देखिए, सेटअप बॉक्स में मॉडल भी अच्छा है। देखिए, USB का पोर्ट लगाता है इसमें और आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम को। और देखिए, ये सील है पगड़िया का। और देखिए, पीछे है ये DC, पहले DC जो है 12 वोल्ट DC कनेक्ट होता है यहाँ पे अडाप्टर से। ये देखिए अडाप्टर, और ये यहाँ पे वीडियो और ऑडियो, और ये देखिए LNB आउट है और LNB इन है। तो ये सेटअप बॉक्स बहुत ही अच्छा है, इसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। देखिए, मैं अडाप्टर को अभी कनेक्ट कर देता हूँ। 12 वोल्ट अडाप्टर है पगड़िया कंपनी का, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। और ये RCA केबल है ऑडियो वीडियो के लिए। तो चलिए, मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ TV के साथ और देखता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये ऑडियो वीडियो कॉर्ड है, येलो कलर और रेड कलर और वाइट कलर भी है। तो देखिए, येलो को मैं वीडियो में लगाऊंगा और TV के भी जो येलो होगा, वीडियो इन येलो ही होगा, उस येलो को मैं वीडियो इन TV में लगा दूंगा। और देखिए, रेड कलर ये है और रेड कलर मैं ऑडियो में लगा दूंगा, रेड में, और TV में भी देखेंगे। और जो है वो रेड ही रहेगा और वाइट रहेगा, वो दोनों ही ऑडियो है, लेफ्ट और राइट, तो उसमें लगा दूंगा। और देखिए, LNB इन है, LNB इन में मैं डिश एंटेना से, जो LNB से आया हुआ जो तार है, वायर है, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा LNB इन पे। और LNB आउट जो है, उससे मैं और एक सेटअप बॉक्स चला सकता हूँ। तो दोस्तों, LNB आउट के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कनेक्ट कर दिया LNB इन में। और चलिए, अब इसको मैं पावर दूंगा। तो चलिए, मैं अभी TV के सामने हूँ और इसको पावर मैंने ऑन कर दिया इसका। देखिए, ये ऑन हो गया है। अब डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले में अब ये देखिए TV में आ गया मैं। देखिए, ये पगारिया DVBS PVR ये सेटअप बॉक्स है। तो पहले देखूंगा कि इसको इसका जो देखिए चैनल जो है, इसका ट्यून किया हुआ रहता है, कंपनी से ट्यून करके देते हैं DD का चैनल। ये देखिए, चैनल ट्यून किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये चल रहा है रिश्ते। अब ये तो चैनल लिस्ट है, आप देखिए ऊपर में फेवरेट है, लॉक है, स्कीप है, मूव है, एडिट है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है दोस्तों। फेवरेट आप कर सकते हैं किसी भी चैनल को, अगर अच्छा लगे तो फेवरेट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। लॉक कर सकते हैं आप किसी चैनल को, अगर वो आप नहीं दे। देखिए, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि आप लॉक कर सकते हैं चैनल को। अगर इस पासवर्ड आप देंगे तो ही चैनल खुलेंगे, वरना चैनल नहीं खुलेंगे। आप स्किप कर सकते हैं किसी भी चैनल को, मूव कर सकते हैं चैनल को, किसी भी चैनल को अगर आप सजाना चाहे कि आप इस चैनल को फास्ट ले जाएंगे, एक नंबर से शुरू करेंगे और दूसरा चैनल को आप 50 से 2 नंबर पे ले आएंगे, वो आप उसको मूव कर सकते हैं।
और एडिट फंक्शन के ज़रिए चैनल का नाम एडिट कर सकते हैं, नया नाम लिख सकते हैं और चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मेनू है और देखिए ये जो है ये सैटेलाइट का लिस्ट है, क्या क्या सैटेलाइट है। आप यहाँ पे न्यू सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं, LNB का जो फ्रीक्वेंसी है हर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट पे, न्यू सैटेलाइट, सैटेलाइट एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज AV सेटिंग्स, बहुत सारे लैंग्वेज दिया हुआ है, AV सेटिंग्स, लोकल टाइम सेटिंग्स, टाइमर सेटिंग्स, ये देखिए डिस्प्ले पॉयल NTSC जो है, और ये देखिए पेनल्टा लॉक है। इसमें यहाँ पे आप सेटअप बॉक्स के बहुत सारे फीचर्स को लॉक कर सकते हैं, चैनल को लॉक कर सकते हैं। ये देखिए फेवरेट है, आदर्स, ये देखिए, और देखिए टूल्स में है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सेटअप बॉक्स का मॉडल दिया हुआ है, फैक्ट्री रिस्टोर है, डिलेट ऑल है, ये अपग्रेड है, और देखिए यहाँ पे गेम है, दो गेम है, और नीचे देखिए मीडिया सेंटर है। उस मीडिया सेंटर अभी हाइड है क्योंकि पेन ड्राइव लगता है, पेन ड्राइव अगर आप USB में लगाएंगे तो मीडिया सेंटर ऑन हो जाएगा। आप मीडिया सेंटर से अगर पेन ड्राइव में MP3 सॉन्ग्स है तो MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं, और उसके बाद JPEG पिक्चर देख सकते हैं और लाइव प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा पगारिया का DVVS PVR मॉडल का सेटअप बॉक्स, MPG2 सेटअप बॉक्स, इसको हम रिव्यू करके दिखाया और प्रोग्राम क्या क्या फीचर्स है उसको थोड़ा मैं दिखाया। अगले वीडियो में मैं इस सेटअप बॉक्स का ट्यूनिंग पार्ट दिखाऊंगा, यानी कि आप नए सैटेलाइट कैसे ऐड कर सकते हैं इस सेटअप बॉक्स में और ट्यून कैसे कर सकते हैं। मैं DD फ्रीडिश और ABS का मैनुअल ट्यून और ऑटो ट्यून करके दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो या इस सेटअप बॉक्स के बारे में कुछ जानकारी या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप सब अच्छे रहिए, नमस्कार।